हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। शीतलहर का कहर, ये तो राइम हो गया। शीतलहर का कहर कायम है और बहुत ही फटे से ठंड पड़ रही है। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ तो इसलिए कुछ पहना नहीं हूँ, मतलब पहना हूँ लेकिन कुछ गर्म नहीं पहना। अभी जस्ट उठा हूँ, बज रहे हैं अभी 10:30। कल रात में ब्लॉग एडिट किया, फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ एडिट करनी थी वो करी क्योंकि क्लाइंट को भेजनी थी, और आज मुझे निकलना है वहाँ पे, फिर इंटरनेट एक्सेस होता होगा नहीं पता नहीं, तो ये काम करना था। एंड ठंड बहुत ही फटे से पड़ रही है, मुझे लगता है आज जाके खुलाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, अंदर पहनते हैं वो। अरे यार यही चीज़, फिर क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत है, जबान नहीं चल रही मेरी ठंड के बारे में, दिल्ली में ठंड बहुत है तो यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अभी बज रहे हैं 1:30, थोड़ी देर में निकलेंगे स्टेशन के लिए। पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, ये वाला बैग मैं ले जा रहा हूँ बस, इसमें लैपटॉप एंड हार्ड ड्राइव है एंड एक ये वाला बैग है, ये वाला, बस इसी में ही कैमरा वगैरह सब रख लिया है। ज़्यादा भी मैं वेट कैरी कर नहीं सकता हाथ की वजह से, एंड बस इतना ही सामान है। अभी जानू भैया एंड सोनू भाई वहीं स्टेशन पे मिलेंगे तो निकलते हैं बस खाना खा के। बट उससे पहले मैं ट्रेन में कुछ खाने को ले आऊँ। मैं ट्रेन में वैसे नॉर्मली कुछ खाता नहीं हूँ, वैसे खाया नहीं जाता है, तो नॉर्मल ऐसे चिप्स वगैरह बिस्किट ले आता हूँ, तो रात में उसी के सहारे कट जाएगा अपना समय। और कल की अलग कहानी है कि कल जहाँ जाना है वहाँ चेक इन टाइम 11 बजे का, तो सुबह तक उन्होंने हमारे लिए वहाँ स्टेशन का ही रेस्ट रूम बुक किया हुआ है, तो सुबह हम लोग 5 बजे से पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमको 11 बजे तक टाइम वहीं काटना है। चप्पल कहाँ चली गई? गाड़ी भी रख दी अपन ने गैरेज में, अब जाएंगे अपन स्टेशन। बताया घर से चप्पल गायब हो गई, ले जाने की मिल नहीं रही है, दूसरी ले जानी पड़ेगी। अपन ने अपना ये बैंड पहन लिया है, अपनी एक्चुअली लोअर सीट है। अब कोई बेचारा आके मेरे से लोअर सीट मांगेगा तो मैं हाथ दिखा दूंगा, मैं बोलूँगा भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे हाथ में लगी है। नॉर्मली होता क्या है कि किसी को लोअर सीट चाहिए होती है तो आके बोल देते हैं, और मेरे से मना नहीं किया जाता, फिर मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ, तो यार लेकिन हर बार नहीं चल पाता। इस बार अपन यार बताओ यार, घर से ही चप्पल चोरी हो गई यार, थोड़ा सा तो दुख हो रहा है। अब खैर अभी तो अपन जा रहे हैं दिल्ली, और ये चप्पल चोरी का रहस्य हम आके सुलझा पाएंगे। चलो 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 बंद कर लो तो। बाय बाय, रख लूंगा ना अभी गाड़ी में, जा रहा बाय। हाँ कितनी आगे बैठ के चलाता हूँ यार, अरे क्या क्यों। भाई साहब मैं स्टेशन पहुँचा और ट्रेन सामने से जा रही थी, मुझे लगा अब तो गई ट्रेन, खैर वो लग रही थी प्लेटफॉर्म पे, मेरी तो फट गई थी यार, दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलती। ये है हाँ, वो है हाँ, नीचे वाला अरे बाबू, गर्मी लग रही है यार, अभी चालू होगा तो नीचे है ही नहीं ना, नीचे नहीं है, है ना एक ही है, एक ही है वो नीचे सोएंगे, आज सोगे ना नीचे, हाँ मरीज आदमी सोएगा नीचे, चार दिन खा रहे तो क्या।
चलें? चलते हैं। खाली हो गई यार पूरी ट्रेन। यार यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है यार, जबलपुर से ज्यादा ठंड है। कोई रिसीव करने आने वाला था जो अभी तक आया नहीं है। अभी 4:30 हो रहे हैं एंड ठंड से या ये लिफ्ट के दर पे होगी। कितना आ गया? भाई साहब ने पूरा वेटिंग रूम ही अपना नाम कर दिया है अभी तो। 10:30 बजे तक अपन छोड़ेंगे, उसके बाद जाना है नोएडा सेक्टर 37। अरे इंसान ठंडी दिल्ली में है, ठंडी में पड़ती है ज़्यादा ठंड है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे आप गए हो ना, हाँ लगा तो नहीं रहा, हाँ फिर बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, बोले ऐसे खोलने लगे, फिर मैंने आया पास में ताल लगा दिया जाओ। बहुत सही। सुबह 5 बजे लड़के लूडो खेलते हुए कोई काम धंधा नहीं। जानू भी एंड सोनू तो सो गए हैं, ये मैं बैठ के व्लॉग एडिट कर रहा था जो बस हो गया है एंड अभी बज रहे हैं 7:00 एंड बस अब इसके बाद मैं भी सोऊंगा।